हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संदीप लोरा ने किया नारनौत विधानसभा के कई गांव का दौरा, जिसमें उन्होंने आज महजत, मजहूतपुर, सिसाई, डाटा, गुराना गांव का डोर टू डोर किया, जिसमें उन्हें गांव के लोगों का भरपूर समर्थन मिला। लोगों ने विश्वास दिलाया कि ये संदीप का चुनाव नहीं, ये चुनाव हम सब का है और हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और संदीप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे स्टार प्रचारक मेरे दादा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, भाई बहन हैं। मैं तो अपने बड़ों को ही अपना स्टार प्रचारक मानता हूँ। आज क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले तो सभी हल्कावासियों को और सभी आपके चैनल के दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। और मैं आज मेरे हल्का के डाटा गाँव के अंदर आया था और यहाँ मेरे को खूब जन समर्थन मिल रहा है और यहाँ से खूब आशीर्वाद दिया और जन समर्थन मिलने का और सहयोग देने की बात कही गई है। क्या लग रहा है आज गांव की चौपाल में बैठा वो उका पी रहे हो, क्या कहना चाहते हो? उका तो जी पंचायती प्याला है, जो आदमी पंचायतिया में रहेगा वो पंचायत की बात भी करेगा और इसमें तो कोई शर्म वाली बात भी को नहीं, यो ना बैल मानदा। इस तो और बड़े बड़े नेता मेरा नहीं के अड़ंगा खाओ पीवे है, हम तो एक उका पीवा हर पंचायत या मरा है, पंचायत वाली बात करांगे। और सबसे पहले मेरा देह भी यो है, जीतते जब जीत के आवांगे ना, सबसे पहले ग्रामीण जो पंचायत लोकल पंचायत जिसकी मान ले आज इन इस सरकार ने जो पूछ होया कर दी लोकल पंचायत की, वह पूछ जो कम कर दी, भाई आना जाना बंद हो गया कितने, पहले SDM DC सब इज्जत कराया कर दे लोकल पंचायत की, आज वो बंद कर दी। और जो छोटे युवा थे पढ़े लिखे, माना है भाई सरपंच पढ़े लिखे होना चाहिए, लेकिन तब वो जो हमारे जो पगड़ी वाले हैं उनको भी दो। क्या लगता है BJP के स्टार प्रचारक? भाई साहब ये बुला लो चाहे किससे ना, जब तक हम नारनौत की जनता को संतुष्ट नहीं कर देंगे नहीं, ये मैं बुला लूँगा किसी ने भी, उससे क्या होगा, हमारे भी यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे बुलाऊँगा, लेकिन उनका और केजरीवाल जी की तुलना करके देखेंगे। भाई अमित शाह और ने जो BJP सरकार है खट्टर साहब की यहाँ हरियाणा में, उसने वादे पूरे करे, हमारी दिल्ली सरकार ने वादे पूरे करे, हमने तो साल भर पहले पर्चे भी लगाए थे, प्रचार भी किया था। अगर भाई जब दिल्ली आज केजरीवाल एक पूरी सरकार भी हाथ में नहीं है दिल्ली में, और यहाँ पूर्ण रूप से सरकार हरियाणा सरकार है जो मुख्यमंत्री के अंडर है, फिर भी स्कूल नहीं सुधार से क्या? अरे जो पहली दूसरी के जो स्कूल हैं, सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है इस देश को चलाने के लिए, वाय ठप कर दिया और क्या निजीकरण कर दूंगा, भाई साहब मोल लेगा क्या हमने, बिक्रे यहाँ क्या हम इतना? तो जब केजरीवाल शिक्षा सुधार सका है तो यो क्यों नहीं सुधार सकता? चुनाव प्रचार तक किमें कौन भाई, चाहे देवी सनी देओल ने बुला, चाहे किसी भी स्टार प्रचारक ने बुला ले, मैं एक मेरे काम के बुजुर्ग ने स्टार प्रचारक बनाऊंगा। भाई साहब देखो दुष्यंत ने सांसद रहते हुए बहुत बढ़िया काम करे थे, हमारा गठबंधन भी था और हमने इसको बनाने की पूरी कोशिश भी की थी, चलो मोदी लहर थी ना बन पाए, लेकिन जो आज स्थिति नारनौत के अंदर है, जो राम कुमार गौतम जी को प्रत्याशी बनाया है इन्होंने, भाई साहब यो आदमी प्रत्याशी बनाने का ही नहीं था, पहली बात तो है या एक तो इसका प्रत्याशी बनते ही सारे इसके नेता टूट गए, कोई कार्यकर्ता इंदौर नहीं बचा, जब तो दुष्यंत ना आना पड़ा है, इसका बूथा में बैठनिया नहीं है।